मम्मी के ऊपर टीवी टूटने का प्रैंक करें, लड़ते लड़ते तो कुछ फेंक के मार दो, मैं हम कहते हैं टीवी लग गई, मम्मी के पास रोता हो जाऊंगा, टीवी टूट गया, मम्मी महंगा नुकसान हो गया। तो टूटेगा तो पैसा कौन देगा उसका? तेरे कुछ क्या होगा? टूटेगा? मैडम सुना? पूरे दिन मेरे कमरे में पड़ी रहती है। चल चल कम बोल। इंडिया की उल्टा हम पे हो गया प्रैंक, प्रैंक गॉन रॉन्ग। गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल मासा ट्यूबर। होप करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छा हूं, सेफ हूं, हेल्दी हूं। ये लो कॉल आ गया, किसका? बेबी का कॉल आ गया है। हां जी बेबी, बस रास्ते में बस पहुंच गया आपके पास ही, घर से नहीं निकले था। अरे हॉर्न सुनो, बहुत गलत बात, रास्ते में आ गया, बस आ गया। मैं उठा रातों लेट आया था, मैं सुबह जल्दी उठना पड़ गया, अब शाय को ले जा रहा हूँ। शाय को लेने मुझे जाना था सुबह 9 बजे, पर अभी 11 बज रहे हैं, मैं हो ही गया कैसे ना कैसे लेट। और आज भी नहीं लेने जाना था मुझे, मुझे शाय को कल, मतलब एक दिन पहले जाने वाला, जो जा चुका है कल, यस्टरडे, यस मेरे को लेके आना था, पर मेरे को कुछ काम था, तो मैंने कहा शाय एक दिन आप और एक्सटेंड कर लो अपना मायके में, कि मुझे कुछ काम था, मैं नहीं आ पाऊंगा, तो इसलिए एक्सटेंड किया। तो आज मैं शाय को लेने के लिए जा रहा हूँ, देख रहे हो एक्साइटमेंट लेवल शाय की ससुराल आने की। कोई नहीं भाई, ये एक्साइटमेंट लेवल है, ये सासू माँ का डर है, ये कमेंट करके जरूर बताना यार। मेरी तू खला जा बेटू, पापा आ गए, पूरा दिन शरारत करता, फिर दिन में सोता। हाँ सो रहा है बेटू, बेटू सो रहा है बेटू, चलो बहुत हो गए मामा घर, अपने घर चलना, चलो आ जाओ। तुम्हारा है इतना मन क्यों कर रहा है ससुराल जाने का? इतने मेरा मन नहीं कर रहा, आपकी मम्मी का बड़ा मन कर रहा है मुझे बुलाने का। तुम्हें नहीं, मुझे नहीं बुलाने का, मायशा को बुलाने का। मुझे तो मम्मी ने बोला तू चार पांच दिन और रुक जा, मायशा को भेज दे। तो मायशा लेता हूँ, रुको मेरी भी मौज आ रही है, मजा कर रहा हूँ। नहीं इतनी मौज नहीं चाहिए, चार पाँच दिन की मौज बहुत होती है, मजा आ गया सच में। चार पांच दिन नहीं, मैं अगर आपके पति ऐसा बोले ना कि आप थोड़े दिन और मायके में रुके हो तो परमानेंटली रुक जाओ, मैं बता रही हूँ, और बच्चे लेके जाना, ऐसा नहीं है, ताकि इनकी जिंदगी भर की मौत हो जाए। नहीं मैं तो मजाक कर रहा हूँ यार, मजाक अपनी बीवी से नहीं कर सकते, अब साली तो मेरी कोई है नहीं, बीवी से मजाक कर लेते, साली चाहिए, सालों से मजाक कर लेते, साली चाहिए, इनको देख रहे हो, साली चाहिए। क्या लेके आ रहे हो? टेस्टी है क्या बना रखा? ब्रेड, ब्रेड पिज्जा, हेल्दी ब्रेड पिज्जा। ये हेल्दी क्या है, इसमें चीज इतनी बड़ी, क्या चीज हमें अलाउड है? हां वही वाली चीज डाली, मैंने मोज़रेला चीज डाली नहीं है, अब तो नानी के पास आने की सोचना भी मत, स्माइल कर रही हो बिल्कुल नहीं मम्मी, नहीं कोई पिज्जा नहीं, चलाक लड़की, देखो ये क्या है, ये क्या पिज्जा चलो आओ, चल जा रहा मेरे सोनू, चल नानी के सोनू जा रहा है, बाय कर दो, बाय, जो देख लो नानी, देखो जा रहे हो, नहीं दादी का इंतजार करें, दादी कैसी और दो दिन रुक जाएगी, सासू माँ से मिल लो, ये तो आपसे मिली नहीं रही थी, कह रही थी दो दिन और रुक जाएगी, जल्दी क्यों आ रही है? मम्मी 15 दिन के लिए जाती है, खुद तो मम्मी 15 दिन के लिए जाती है, हैं अपने मायके, हैं और अब शाय चाहिए 5 दिन के अंदर घर पे, वाह। ये बता, ये होता है बहू बिना मेरा काम कौन करता है? ये जो आप कमेंट कर रहे थे ना कि एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट नहीं है, सासू माँ का डंडा है जो शाय जल्दी आई है, इसके पंख लग गए, अभी ये वहाँ पे मिस कर लेता हूँ अपना, है अपना घूमने वाला मिस कर लेता हूँ, बत्ता बहुत चिल्लाई एकदम से, एक चक्कर मारेगी फिर घूम के आएगी और खाने के लिए, चलो पहले जल्दी से खा लो, दे दे वो कह रही है, दे दे, चलो अब जाओ चक्कर मार के आओ, तो चलो जाओ चक्कर मार के फिर जाओगे, फिर अभी ये चल के जाएगी, देखो फिर अभी चल के जा रही है, फिर चक्कर पूरा जाओ अभी जाएगी, चलो बेटू
खाना ना खत्म हो गया, जल्दी वापिस आओ, फ्यूल खत्म हो गया, चलो चलो पेट्रोल खत्म हो गया, पेट्रोल भरो जल्दी से, भरी दोपहर में छत पे ले गई रील बनवाने के लिए, हैट्स ऑफ है इस लड़की का डेडिकेशन लेवल अपने काम को लेके, सच में। अब एक रील है, बहुत ही कॉमेडी रील है, इंस्टा पे फॉलो कर लो, आज ही डल जाएगी, तो इंस्टा पे फॉलो करो, मजेदार रील्स है यार, कॉमेडी वाली, जो शायद और मैं शूट कर रहे हैं साथ में, तीन वीडियो बन गई, तीन वीडियो बन गई, हमारी भी भारत वीडियो की मदद की भी हालत बहुत बुरी हो गई है भाई, पसीने पसीने बहुत गर्मी है, हैट्स ऑफ है भाई, एक 15 सेकंड की रील बनाने के लिए पता आधा घंटा लगता है, क्योंकि हम है नूब्स, वी आर नॉट प्रोफेशनल्स, बहुत मजा आ गया। कब तक फ्री होगी बता, तो कब तक फ्री होगी, मेरे को तेरे से काम है यार। क्या काम है? मम्मी के ऊपर टीवी टूटने का प्रैंक करें, लड़ते लड़ते तो कुछ फेंक के मार दियो, मैं हम कहते हैं टीवी लग गई मम्मी के पास, रोता हो जाऊंगा, टीवी टूट गया मम्मी, महंगा नुकसान हो गया, टीवी मम्मी पागल है दिखेगा री, टीवी एक स्क्रीन आती है जो लगा देते हैं जिससे पूरी लाइन लाइन आ जाती है स्क्रीन में, तो तोड़ेगा वीडियो, मेरे को कोई डांट पिटवा रहा है, टीवी तू तोड़ेगी, टीवी मेरा टूटा तो तू तोड़ेगी, तो मैं जाऊंगा ना मम्मी के पास, मम्मी का टीवी तोड़ दिया, और अच्छा तो इस पे तो मेरे में फटेगा ना, मेरा क्या फायदा हुआ है, तेरा फायदा 500 रुपए, तेरा एक ऑर्डर मैं करूंगा, कौन सी तेरी क्या साइड है, स्टाइल एंड फ्लॉन्ट ना, एक ऑर्डर मैं करूंगा, झुमके पहन के मैं घूमूंगा तेरे, ठीक है ठीक है ठीक है, सोच के बता, सोचो वैसे आप लोगों को पता है कामाक्षी ने इंस्टाग्राम पे स्टाइल एंड फ्लॉन्ट के नाम से काम स्टार्ट किया, जिसके अंदर आपको ज्वेलरी और क्लोथ वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिए, कामाक्षी की किसका, कामाक्षी के पेज का, स्टाइल एंड फ्लॉन्ट का, बाकी कामाक्षी को मैंने पटाया है कि मम्मी के ऊपर टीवी टूटने का प्रैंक करने वाले, कामाक्षी तू तोड़ेगी और एक्टिंग मैं करूँगी और तुम भी करोगे, एक स्क्रीन आती है उसको चला दो तो ऐसे पूरी ऐसे क्रैक क्रैक स्क्रीन आती है, वो असली में ओरिजिनल लगती है कि स्क्रीन गई, पक्का पक्का, रात हो करेंगे टीवी जब हम देखने के लिए बैठते हैं तब, इस वाले पे करोगे, इस वाले पे महंगा यही है सब, अच्छा से मैं कुछ लग गया सब अटैक, तो भाई सुनो, अरे मैं नीचे हो गया, अरे नीचे गए थे हाँ, तो भाई अब प्रैंक ना हम मम्मी पे करने वाले हैं, टीवी टूटने का इसकी, और ये पेपर्स हैं जिनकी से मैं कैमरे से कैमरे को भी छुपा दूंगा, कैमरे को मैंने मोड़ लिया ऐसे करके, कैमरे को छुपा लूंगा, मम्मी उस कमरे में लेटी हुई है, मम्मी को पहले हिंट दे के आ गया कि मैं कामाक्षी से लड़ने जा रहा हूँ कि वो मेरे कमरे में पड़ी रहती है 24 घंटे, मम्मी ने यही बोला कि परेशान मत कर छोटी बहन तेरी, तो मैं ये बोल के आया हूँ, तो भाई मम्मी को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, अब देखते हैं प्रैंक सक्सेसफुल होता है या नहीं होता है, कामाक्षी ने ना लगा के स्क्रीन में कामाक्षी दिखा रहा था, शाय ने देख ली, तो कामाक्षी शाय का यही रिएक्शन था, तो अब ये स्क्रीन है, ये 24 घंटे की स्क्रीन है, बस डर इस चीज का मम्मी आए और इस पर एड ना आ जाए, अगर एड आ गई तो स्क्रीन हट जाएगी नहीं तो चलती रहेगी, पर 24 घंटे की, ये प्रैंक भी आप अपने घर वालों पर कर सकते हो, करने की सोच रहे हो, और बहुत एपिक प्रैंक हो सकता है, देखो देखने में बिल्कुल स्क्रीन टूटी लगती है, और हम लड़ते रहते हैं दूसरे को सामान फेंक पाके, कामाक्षी मेरे को बहुत मारती है, तो इसलिए और हट जाता है हमेशा, मैं डॉज कर जाता हूँ तो पीछे सामान लग के टूट जाता है, तो वो सामान जो फेंकते हो टूट जाता है, तो ये भी हम यही बोलने वाले हैं, कामाक्षी ने कुछ फेंक के मारा और मैं हट गया, और टीवी में जाकर लगा, और टीवी की ये हालत हो गई, टीवी है महंगा, और नुकसान अगर होता है घर में चाहे 10 रुपये का चाहे 1 लाख रुपये का, मम्मी का गुस्सा देखते कैसा होने वाला है, आज अपनी बेटी को लेके, बेटे तो पिटते पर बेटी को आज मैं पिटवा के छोड़ूंगा, खाली पड़ा था दोनों मेरे कमरे में, फेंक के मारा टीवी में इसने, वो स्टिक कोई बार मारते मारते टूटेगा, पैसा कौन देगा उसका, मैं पूरे दिन मेरे कमरे में पड़ी रहती है, कर दूंगा सीधा रास्ता, बिगाड़ रखा खाली आदमी।
अरे प्रैंक किस मम्मी पे कर रहे थे, कैमरा बंद हो गया बीच में, ऐड चल गया। ओ भाई इसको प्रैंक करने के लिए प्रीमियम ले लेना, हमारी बीच में ऐड चल गई इसके। शायरी बहुत छोड़ दो चेहरा कुछ और होता। अरे इसे छोड़ो, अरे इसे छोड़ो, प्रैंक तो छोड़ो, प्रैंक तो हो नहीं पाया मम्मी पे, तो हो नहीं पाया, कैमरा अपना बंद हो गया, बीच में ऐड चल गई। शायरी मोड रिमोट का, रिमोट का तुमने रिमोट से स्किप किया ऐड। मैं हंसी नहीं थी, ये दोनों हंसे थे इन्होंने। अरे कमाक्षी हंसी थी यार, मम्मी मेरे को हराया कर दी, खराब हो गया तुम्हारा, कोई फायदा नहीं है। पापा गुस्सा नहीं करते टीवी कुछ किसी को नुकसान तो, पर प्रैंक नहीं हो पाया, कैमरा ओवर हीट हो गया, अभी हीट का निशान आ रखा है, 5 मिनट में ऑटो कट लग गया। अरे यार प्रैंक गॉन रॉन्ग, इसमें देखो ये टेम्परेचर का साइन आ रहा है, हमेशा आता कहती हूं टेंपरेचर 5 मिनट के बाद ऑटो कट हो गया। अब तो अरे वो भी गलत है कि तू बार-बार उसको ऐसे पकड़ के खींचा, तू कभी गुस्से में ऐसे नहीं, अरे नहीं करता, मतलब लड़ता है हंसी, ऐसे एक्टिंग किसकी तरफ से खराब हुई उसकी तरफ से, पहले वो हंसी नहीं, वो वो अरे ओए तू हंसी थी, ऑडियंस देखी क्या जब रिकॉर्डिंग नहीं हुआ, तो स्टार्टिंग के 2-3 मिनट बहुत अच्छा चला था, बहुत चला था यार, मैंने भी की थी एक्टिंग, पर मेरे बीच में हंसी छूट गई, मम्मी को कैमरा दिख गया, तो स्टार्टिंग के 3 मिनट तो बिल्कुल जेन्युइन था प्रैंक, उसके बाद फिर मम्मी ने हम पे उल्टा प्रैंक करने की कोशिश की यार, मैं रिकॉर्ड नहीं हो पाया यार, ये कैमरा धोखा देगा, कोई नहीं, मैंने इससे भी अच्छे अच्छे प्रैंक सोच रखे हैं, अब तो लिख रखे हैं, अब तो बैक टू बैक आपको प्रैंक देखने को मिलेंगे, ये प्रैंक नहीं हो पाया, अफसोस है मुझे, उल्टा हम पे हो गया प्रैंक। चलो कोई नहीं, फिर भी कोशिश के लिए थम्स अप तो बनता ही है, मिलते हैं नए ब्लॉग में नए प्रैंक के साथ, तो बाय गाइस, नेक्स्ट ब्लॉग मिलते हैं, बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।